हाई बस एक कलाकार होने के नाते मैं यही कहूंगा कि आज इस पावन स्थान पे आके और सब बड़े भैया लोगों का आशीर्वाद मिला और यहाँ जितने भी भाई बहन मंच के सामने बैठे हैं सबको देख के सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारा समाज मेन ओरिएंटेड है और महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है, आपके नज़रिए में कितना जरूरी है महिलाओं के सम्मान करे खातिर ये कहे के पड़ी। देखिए मुझे बस इतना ही आता है कि माँ माँ होती है, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे काली माँ हो, चाहे मेरी माँ, हमारी माँ, जिस माँ के पेट से हम सब पैदा हुए हैं, माँ माँ होती है। औरत के सम्मान करे के चाहिए, दिल से करे के चाहिए, बहुत इज्जत करे के चाहिए। अब ज़्यादातर मेन ओरिएंटेड समाज है, ज़्यादातर मर्दों का वर्चस्व ज़्यादा चलता है, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, वहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि महिलाओं की बात चल रही? देखिए मैं कलाकार हूँ और हमको ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन बस हम यह कहब कि कोई भी हो, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपना से बढ़ के सम्मान देवे के चाहिए, अपना से बढ़ के इज्जत करे के चाहिए और सम्मान सबके होके के चाहिए। आपको एक सुपरस्टार की तरफ, पूरे सुपरस्टार की तरफ सिर्फ नॉर्थ ही नहीं, ईस्ट वेस्ट साउथ पूरे इंडिया में आपको सराहा जाता है, कैसा लगता है आपको जब भोजपुरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं? एक कलाकार जब काम करता है और उसके काम को पूरा दुनिया अगर सराहे लगे, बड़ाई प्रशंसा करे लगे, तो उस कलाकार के लिए उससे बड़ा धन कुछ हो ही नहीं सकता है। और हाल ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में हमार फिल्म अभी रिलीज भइल है, जोने फिल्म के नाम है गदर और आज तक का रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ओपनिंग लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपके भोजपुरी का जो स्तर है इस वक्त सिनेमा के दौरान, आपको क्या लगता है उसको और बढ़ना चाहिए? आपके नज़रिए में कितना बड़ा स्तर है भोजपुरी का? हमार भोजपुरी के लेवल बहुत बड़ा बा, और भी बड़ा हो सकेला जब हम सब कलाकार थोड़ा आपस में और प्रेम बढ़ा दे तो। थैंक यू।